अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नए आलू और मटर की मजेदार रेसिपी। तो पैन में हम कुकर में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल, एक चुटकी जीरा डालेंगे, एक लाल खड़ा मिर्च डालेंगे, 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। हल्का प्याज को हम सोटे कर लेते हैं। एक हरी मिर्च डालेंगे और हल्का सा सोटे कर लेते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। तो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े आलू और थोड़े से मटर। नए आलू और मटर की सब्जी कुछ और स्वादिष्ट बनती है। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च काली मिर्च जीरे का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े टमाटर डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे स्वाद के लिए, और अच्छे से टमाटर को गलने तक अच्छे से हम भून लेते हैं सब्जी को। अगर बीच में आपकी सब्जी थोड़ी चिपकने लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भून लीजिएगा। तो अच्छे तरीके से हमने भून लिया है टमाटर गलने तक। आप देख रहे हो कितना अच्छे से हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 गिलास जैसा पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें कम ही रखना है क्योंकि इस कुकर में हम पका रहे हैं तो जल्दी से गल जाएंगे, ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है। तो पानी हमने डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको नमक कम ज्यादा लगे तो आप डाल दीजिएगा। ढक्कन से कवर कर देते हैं, 2 सीटी आने तक हम वेट करते हैं। 2 सीटी आ चुके हैं, हम ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। तो अच्छे तरीके से हमारा आलू और मटर गल चुके हैं, अच्छे से सब्जी भी पक चुकी है, पूरा तेल हमारा छोड़ दिया है सब्जी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसमें स्वाद के लिए। आप गरम मसाला का इस्तेमाल अगर करना चाहते हो आप डाल सकते हो, हमने नहीं डाला है क्योंकि गरम मसाला की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हल्का सा इसे हम मैश कर देते हैं आलू को थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए। तो 1-2 आलू को हम मैश करेंगे, ज्यादा आलू हमें मैश नहीं करना, इससे गाढ़ापन आ जाएगा सब्जी में तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे रोटी पूरी किसी के साथ भी खा सकते हो, इतना लाजवाब और स्वादिष्ट बनता है। तो चलते हैं फटाफट से हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो आप एक बार जरूर कमेंट करें। नए आलू और मटर की सब्जी इस तरह आप एक बार जरूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इतना लाजवाब बनता है। आप रोटी या पूरी किसी के साथ भी खा सकते हो।